हे गाइस, वेलकम अस अगेन। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में एक और डेमो वीडियो लेके, वो भी मैथ्स की। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर टीचर के लिए, इवन मदर टीचर। अगर घर में भी आप ये टॉपिक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से आप ये टॉपिक अपने बच्चों को क्लास में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी क्लास में जाते हैं, बोर्ड एंट्रीज करते हैं, जो भी आपकी रिक्वायर्ड बोर्ड एंट्रीज होती है, बच्चों से कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप कर देते हैं। इन सब काम को करते हुए बच्चों को जान लेते हैं, अपने बारे में बता देते हैं। ये तो कॉमन होता है, हर डेमो क्लास में आप लोग को करना होता है, जिससे कि एक कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए बिटवीन यू एंड योर स्टूडेंट्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरव्यूअर के लिए, किसी भी इवेल्युएटर के लिए, उस डेमो पर्सन को सेलेक्ट करना कि भाई वो अपने टॉपिक को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपने उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने वाली जो जंग है वो जीत ली 100 out of 100, फिर आप चाहे टॉपिक को कितना भी लंबा किए सकते हैं, कितना भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज सेकेंडरी। द फर्स्ट थिंग इज हाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब इससे अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को, इसका कॉन्सेप्ट समझा देंगे, तो बच्चे एग्जाम में तो कभी गलती करने वाले नहीं है। साथ ही साथ आपका जो सिलेक्शन है वो भी 100% हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास में आपने गए, बाकी सारे काम किए, उसके बाद आप क्लास में बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा बच्चों बताओ, Who has got the first position in your class? बता देंगे मैम अनामिका, मैम अंशुल, मैम ये, मैम वो, ठीक है। जिसने भी किया उसका नाम प्लस फर्स्ट पोजिशन उसके आगे आप बोर्ड पे मेंशन कर दें। देखिए, जो भी बच्चे डेमो क्लास में, आप जब बच्चों से रिव्यूज लेते हैं ना, या फिर नॉर्मल क्लास में भी जो आपका डिस्कशन चलता है बच्चों के साथ, जो आप बच्चों से कमेंट्स लेते हैं, वो हमेशा बोर्ड पे मेंशन किया करो। बच्चों को ये वाली फीलिंग आती है कि हमारी बातों को तवज्जो दी जा रही है, हमारी बात मैम सुन रही थी, तो मेरी बात जो है वो बोर्ड पे लिखी है। तो उस बच्चे का नाम, पर्टिकुलर बच्चे का नाम आपने बोर्ड पे लिख दिया। ओके, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10 तक तो लिखवा लेना जल्दी से, क्योंकि बच्चों को लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को सब पूछते, बाकी को कोई नहीं पूछता। और बच्चों को, बहुत सारे बच्चों का जो ध्यान है वो बोर्ड की तरफ आकर्षित हो जाएगा, कह रहे वाह इतने सारे नाम लिख दिए, वेरी नाइस। तो आपने बोर्ड पे नाम लिख दिए। अब आप बच्चों से कहें कि अच्छा ठीक है, अब जो जो बच्चे आपने पोजीशंस लिखी उनके साथ उनके नाम लिखिए। सीधी सी बात पूछिए कि पर्टिकुलर किसी भी रैंडम बच्चे का नाम लेके कि अच्छा ये वाला बच्चा है आलोक, आलोक कौन सी पोजीशन पे बच्चों, आई एम 7th पोजीशन, वेरी नाइस 7th पोजीशन। ओके, आकांक्षा इज ऑन विच पोजीशन, आई एम 6th पोजीशन, वेरी गुड 6th पोजीशन। तो इस तरीके के कुछ रैंडम क्वेश्चन, पोजीशन जो है प्लस बच्चे का नाम जो है बच्चों को क्लियर हो जाए। अब आप बच्चों को सीधी सी एक चीज बताई, अपने एक नंबर जो है वो बोर्ड पर लिख दिया, कोई भी रैंडम नंबर आप लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चे से पूछे क्या कोई बच्चा इस नंबर को रीड कर सकता है। हो सकता है बच्चों को नंबर्स रीड करने आते हो पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट ना पता हो। बच्चे ने रीड कर दिया, ओके, क्या बेटा जिसने रीड किया हो, ना रीड किया हो, सेकेंडरी है बिल्कुल, वो डेफिनेटली आपकी क्लास में से कोई ना कोई बच्चा उसे रीड कर देगा। कोई भी 1000 digit का या 100 digit का नंबर, सिंपल नंबर जो जिस स्टैंडर्ड पे आप इस टॉपिक को करा रहे हैं आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे ने जो है वो नंबर जो है वो रीड किया, बच्चे ने कहा 564, ओके 564, तो इन नंबर्स की कोई मुझे पोजिशन बता सकता है। अगर मैं इन नंबर्स को उल्टा पुल्टा लिख देती हूँ बच्चों तो क्या होगा, तब भी क्या नंबर सेम ऐसे ही पढ़े जाएंगे। इनकी पोजीशन अगर मैंने बदल दी तब क्या होगा, जैसे तुम्हारे क्लास के बच्चों की पोजीशन बदल दो तो क्या हो जाएगा। और वो काम करके दिखाएं, क्लास के बच्चों के नाम वही रहने दें, बस उनकी पोजीशन बदल दें, ऐसे ही उस नंबर को 564 के नंबर्स को चेंज कर दें, उनकी पोजीशन 1, 2, 3 एज इट इज आपने जो नंबर्स लिखे हैं उन्हें ऐसे ही लिखा रहने दें। क्या होगा इससे, बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि पोजीशन बदलने से चीज को जो पढ़ना है वो बदल रहा है। आपस आपको उन्हें यही चीज बतानी है कि अच्छा आप लोगों ने देखा पर्टिकुलर पोजीशन पे पर्टिकुलर फेस बैठा हुआ था, 7th पोजीशन पे अंकुश बैठा हुआ था, 6th पोजीशन पे आकांक्षा बैठी हुई थी, है ना। उसकी पोजीशन के साथ साथ उसका फेस आपको याद आ रहा था, है ना, उसका नाम आपको याद आ रहा था, नाम इज लाइक उसकी इमेज आपके दिमाग में बन रही थी। ऐसे ही जब आपने 564 पढ़ा है तो 5 जो है वो 5 की शक्ल है, उसकी शक्ल देखते ही आप पहचान गए कि 5 है, 6 की शक्ल देखते ही पहचान गए कि अरे तो 4 की शक्ल देखते ही आप लोग पहचान गए कि अरे ये तो 4 है, यानी ये सब इनकी फेस वैल्यू है, इनकी शक्लें हैं जिसे आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सा नंबर है। यही करना है आप लोगों को नंबर्स में, जब भी मैं आपसे फेस वैल्यू पूछूं तो उसका शक्ल देखना और मुझे बता देना कि वो क्या है। बट जब मैं आप लोगों से प्लेस वैल्यू पूछूं
तो आपको बताना होगा बैठा कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, कहाँ बैठा है। अब सारे नंबर्स ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उसे क्या किया है, 100, 10, 1, ये इनकी पोजीशन है। उसके बाद क्लास में ड्रिल कराइए, कुछ बच्चों को फ्लैश कार्ड दे दीजिए, उनके पास आपने नंबर्स, कुछ बच्चों को ऊपर आपने फ्लैश कार्ड 100, 10, 1 या 1000, 100, 10, 1 जैसे भी आपके नंबर्स जो है आपने उन्हें रैंडम स्टिक लिख के दे दी और उन्हें खड़ा कर दिया। नीचे जो है कुछ बच्चे बिठा दिए हैं आपने और उनके हाथ में नंबर्स दे दिए, नंबर्स के हिसाब से बच्चे उन्हें पढ़ते जाएंगे और नंबर्स की पोजीशन जो है बार बार चेंज करते रहे, यानी कि इनकी फेस वैल्यू, इनकी शक्लें जो है वो बार बार अलग अलग जगहों पे जा रही है, बट इनकी जो ये पोजीशन है ये हमें बतानी है, इसी के हिसाब से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जब आप क्लास में प्रैक्टिकली करते हैं बच्चों को बहुत मजा आता है, बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ डेमो क्लास आपको समझ में आएगी, उसके बाद आप जितना लंबा चाहे इस टॉपिक को खींच सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। बट द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर अगर वो सिलेक्शन चाहती है, क्योंकि इवेल्युएटर यही देखता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।